एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इनबॉक्स करते हैं। जो मेरा मिशी खान ऑफिशियल का है ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियल ही यूट्यूब पे है। इसमें मैं दो टाइप के बनाऊँगी, फ्रेंच टोस्ट के साथ आप इसके ऊपर मेपल सिरप भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं, जिस तरह पैनकेक्स के लिए। सो ब्रेड आपको चाहिए, 6 से 7 स्लाइसेस आपको ब्रेड के चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको 3 से 4 अंडे चाहिए, आप 2 अंडों का भी बना सकते हैं, इट्स ओके। तो ये स्वीट हो गए, ये सॉल्टी। आज की रेसिपी जो है कम्प्लीट हो चुकी है और अब आपको खा के भी बताना है कि कैसे बने, सॉल्टी वाले भी और स्वीट वाले भी। ओके पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होती है कि वो कहते हैं कि नहीं जी ओनरशिप कंपनी की रहेगी, आप सिर्फ ट्रांसफर करवाते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये मैंने कहा क्लियर कर लें क्योंकि लोग देख रहे हैं तो जाहिर है वो फिर उनके लिए ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं। उसमें बैंक्स के लिए भी फिर आसानी होती है अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है तो, अगर कोई उस पर कल को बोरोइंग करके, जिस तरह भी ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई है ये जो लो इनकम के लिए और जो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इनबॉक्स करते हैं। जो मेरा मिशी खान ऑफिशियल का है ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियल ही यूट्यूब पे है और मिशी खान ऑफिशियल ही ऑन मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे है। थोड़ा सा नाज़रीन भूल रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और साथ साथ मिशी खान एट मिशलिशस जो है वो ट्विटर पे है और स्नैपचैट स्टोरी जो है दैट्स खान मिशी 77, और आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके। लेकिन आपसे मैंने माजरत करनी थी कि कुकिंग के दौरान जो है मैं कॉल्स नहीं ले सकूँगी, उससे पहले या उसके बाद आपके साथ इंशाल्लाह बात होगी। तो मैंने कहा आपको इन्फॉर्म इसलिए भी कर दूँ, ये ना हो कि आप लोग लगे हुए हों कि कॉल नहीं अटेंड हो रही है, क्यों नहीं हो रही। सो कुकिंग के सेगमेंट के दौरान जो है जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो तब आपकी कॉल्स नहीं ले सकूँगी, उससे पहले या उससे बाद में। आज का जो सवाल है कि किस खेल को बादशाहों का खेल कहा जाता है, ये सवाल भी आपसे पहले पूछा गया था, लेकिन काश आपको याद हो कि किस खेल को बादशाहों का खेल कहा जाता है। और चलें मैं ये भी आपको बता दूं कि एक बहुत ही खूबसूरत खित्ता है जहाँ का मैं शो करती थी, वहाँ पे है ये जगह और वहाँ पे है ये खेल खेला जाता है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे खेला जाता है, लेकिन वहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है जिसमें ये खेल को बहुत प्रमोशन मिलती है। और उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर शहजाद ज़फ़र, डायरेक्टर ग्रेसलैंड हाउसिंग स्कीम, ग्रेसलैंड हाउसिंग अ रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैविंग ऑल NOCs एंड अप्रूवल्स फ्राम रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, spread over 3000 canal area. The project is located on main Fateh Jung Road. It's close proximity to new Islamabad airport, CPEC and Srinagar highway, making it customer first choice for living. The project is a secure gated community having all the basic facilities to start house construction, and development work on augmented facilities is underway. It has hundreds of happy clients making their dream home with them and creating thousands of new jobs for Pakistanis. So aaj aapko mauka milega, agar kehte hain na aapke paas invest karne ke liye paise hain to aap soch rahe honge ki kahan invest karna hai, to is waqt property mein land khareedne mein ya ghar banane mein sabse zyada fayda hai. To aaj aapki sari jo is tarah ki jo issues hain wo jawab dene ke liye hamare sath honge Mr. Shahzad Zafar, jo ke director hain ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मैंने डिटेल्स बताए दी हैं, और बाकी जो और ज़्यादा इसके बारे में रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे। कॉल करने के लिए 051-8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल में हिस्सा ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है 0335-488-434। आज का नाज़रीन आज सर्दी बहुत है, आज और कल फिर बारिश जो है वो जो है सस्पेक्ट हो रही है, सस्पेक्ट क्या वेदर जो है उसके अंदर,
तो ये एक गाउन टाइप का है और इसके ऊपर मैंने ये जो है अब सर्दी लग रही है थोड़ी सी, तो इसको मैं इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि अभी कुकिंग सेगमेंट करना है और कुकिंग में आपको पता है फिर एप्रन पहनना होता है, तो मैंने कहा इसको हम इधर रखते हैं साइड पे, बल्कि इधर रख देते हैं। और अगर आपने अभी कॉल करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 0518094521 पे। सो बाहर का मौसम आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डस्की 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 हो रहा है। मॉर्निंग शो नहीं सकते, इवनिंग शो ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बाहर आज और कल शदीद बारिश जो है, मतलब कॉन्स्टेंट बारिश का इम्कान है। सो इम्कान नहीं है बल्कि फॉर श्योर है, क्योंकि वेदर मैं देखती रहती हूँ, तो वेदर की जो रिपोर्ट है वो भी आप लोग भी देख लिया करें। कोई आपने अपने घर में कोई ओकेजन करना है या कोई आपके प्लान्स हैं, तो वेदर जो है गूगल के ऊपर, गूगल क्या ज़बरदस्त चीज़ है, जो भी कुछ लिखे हैं उसमें उसमें आ जाती है सारी गपशप। सो फ्रूट्स भी खाएँ, सेहत का ख्याल रखें, और शो में अगर आपने हिस्सा लेना है तो 0518094521 पे आप हिस्सा ले सकते हैं। आज का सवाल है कि किस खेल को बादशाहों का खेल कहा जाता है। अब चलते हैं अपने कुकिंग की तरफ, और आज की कुकिंग में बहुत ही इजी पीजी चीज़ है जो कि है फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट के बारे में ये भी एक कहा जाता है कि वो खाली मीठे होते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको अगर दिल चाह रहा है कि वो खाएँ, ज़ाहिर है उनका भी दिल चाहता है, तो वो नमकीन कर लें, उसमें चीनी ना डालें, उसकी जगह चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाल लें, कुटी हुई काली मिर्च डाल लें, तो उसका फ्लेवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। नमकीन टोस्ट आप उन्हें, नमकीन फ्रेंच टोस्ट आप उन्हें कह सकते हैं। अच्छा, इधर प्रिपरेशन तो है बड़ी अच्छी, लेकिन ये कि इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगी जो कि पिसी हुई है, नमक हल्का सा डालूंगी मैं, और हल्दी भी नहीं डलेगी। हल्दी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, फ्रेंच टोस्ट कहाँ और हल्दी कहाँ पे। सो ब्रेड आपको चाहिए, 6 से 7 स्लाइसेस आपको ब्रेड के चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको 3 से 4 अंडे चाहिए, आप 2 अंडों का भी बना सकते हैं सोके, और साथ में ऑयल चाहिए आपको, और एक अच्छा सा नॉन स्टिक फ्राइंग पैन चाहिए। तो आज हम फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं, इसमें मैं 2 टाइप के बनाऊँगी फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट के साथ आप इसके ऊपर मेपल सिरप भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं, जिस तरह पैनकेक्स के लिए थोड़ा सा ड्रिजल कर दें, लेकिन अदरवाइज़ भी चाय के साथ। इस मौसम के हवाले से मैंने ये रेसिपी रखी है, तो इस मौसम के हवाले से आपको बड़ा मज़ा आएगा। स्वीट एंड सॉल्टी, ठीक है, स्वीट एंड सॉल्टी, सॉल्टी, स्वीट एंड सॉल्टी। अब हैंड वॉश भी कर लेते हैं। अब आपको मैं ये नहीं कह सकती कि आप कॉल करके जो है हिस्सा लें, क्योंकि पहले से बता दूं आपको कुकिंग के दौरान थोड़ा सा कॉल्स नहीं, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से बात ज़रूर होगी, तो आप लोग थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हैंड वॉश ज़रूर कर लें, SOPs फॉलो करें, बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ब्लेस यू, शुक्र अलहमदिल्ला। क्यों कहते हैं हम लोग ब्लेस यू और शुक्र अलहमदिल्ला? उसकी वजह ये कि फॉर अस बहुत ही इतना फ्लिक ऑफ अ सेकेंड के लिए आपका हार्ट बीट, हार्ट जो है वो रुकता है जब आप छींक मारते हैं, और उसके बाद दोबारा से सारा सिस्टम चलता है। जिस तरह नहीं आप गाड़ी को स्टार्ट करते नहीं होती, वो दूसरी दफ़ा में स्टार्ट हो जाती है, उसी तरीके से हमारा सिस्टम भी इसी तरह होता है। इसलिए कहते हैं कि आप एकदम से डाउन होके अप होते हैं। तो थोड़ा सा आपने ये फ्राइंग पैन ऑन कर लिया, और इसमें अब डाल देंगे ऑयल, और इसको आपने बहुत धीमी आंच पे कुक करना है, शैलो फ्राई करना होता है। बहुत ज़्यादा जो वेट कॉन्शियस लोग हैं या उनको नहीं बिल्कुल, तो वो बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा सा बटर जो है, अगर 2 से 3 आपने बनाने हैं तो हल्का सा बटर से ग्रीस कर लें, और उसके बाद आप इसके अंदर आराम से बना सकते हैं फ्रेंच टोस्ट। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अजीम कराची में अब जाके सुनने में आ रहा है, कल मेरी बात हुई थी कि थोड़ी सी अब कोल्ड वेव वहाँ पे आई है क्वेटा की वजह से। क्वेटा में जैसे ही ठंड और साइबेरियन विंड चलती है, तो कराची वाले जो है अपनी जो उन्होंने संभाल के जैकेट्स रखी होती हैं वो निकालते हैं, और फिर उनको भी विंटर क्लोथिंग का थोड़ा सा मौका मिल जाता है। तो इसमें मैं 3 से 4 अंडे हम लोगों ने अलग-अलग मैं करूँगी। एक तो मेकअप कैसा लग रहा है ना जी? एक तो मैं नमकीन बनाऊँगी और दूसरा जो है मीठे। पहले हम नमकीन बनाएंगे, उसके बाद मीठे, क्योंकि अगर आपने मीठे पहले बना लिए तो
जो ऑयल है उसमें मिठास आ जाती है। तो पहले आपने नमकीन बनाना है, उसके बाद हमने बनाएंगे कौन से वाले, एक सेकेंड अब आपको बता दूँ। इस डिश में मैं इस डिश में नहीं ठहरे, ऐसी डिश हो जिसमें फैला फैला हो जाए सारा, ये वाली डिश में मैं पहले अंडे जो है ये आप देख लें, अच्छी क्वालिटी की डबल रोटी आप ले लें, लेकिन स्क्वायर होनी चाहिए। एक तो ओवल ओवल टाइप की होती है ना, वो नहीं, आपने स्क्वायर लेनी है। इसमें हम चार दो अंडे इसमें शामिल कर रही हूँ मैं, ये आप देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दो और ये तीन, तीन अंडों का हम बनाएंगे मीठे और तीन अंडों के बनाएंगे हम नमकीन। ये मैं लैदा रख रही हूँ ताकि आप लोग विजिबल, आपकी जो विजिबिलिटी है वो ठीक रहे। अब दूसरा जो पैन है इस बोल में डाल देते हैं, इसको इस तरह इधर रख लेते हैं। इसमें मैं नमकीन और इसमें मीठे, जो थोड़ा गहरा वाला है वो आप मीठे के लिए, क्योंकि उसमें जैसी चीनी डलती है तो थोड़ा सा वो उसका बैटर जो है वो पतला हो जाता है, तो वो आप इसमें, हम तीन अंडे इसमें, तो बेसिकली छः अंडे थे, छः अंडों में से तीन का हम बनाएंगे नमकीन और तीन का बनाएंगे क्या, मीठा। कांटे भी दो लेंगे, पहले हमने इन वालों को अच्छी तरीके से आपने बीट कर लेना है। इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लें, थोड़ा सा और बैटर मज़े का हो जाता है, या थोड़ा सा दूध शामिल कर लें, थोड़ा सा, दो से चार टेबलस्पून। ये प्योर अंडों के बन रहे हैं, लेकिन लोग बीच में मिक्सिंग भी करते हैं, दूध डाल दिया, क्रीम डाल दी, वो आपकी वो ऑप्शनल है, लेकिन जो बेसिक रेसिपी है वो सिर्फ अंडों की या चीनी की होती है, या अंडों की। और ये इसको हमने इस वाले को भी अच्छी तरह कर लिया, इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी और दूसरे वाले में नमकीन, तो हमारे पास दो हो जाएंगे चॉइसेस। गाना भी आप सुन रहे हैं, अच्छा जी, अब ये डाल देते हैं, और अब हमने डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च एंड शुगर। यस, वेरी गुड, ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें डाली, थोड़ी सी ये आपने डाली, और इसके साथ आपने नमक शामिल कर दिया। ये उन लोगों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनेंगे जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, वो नहीं शुगर ज़्यादा खाना चाह रहे होते, तो बेसिकली ये एडल्ट्स के लिए ज़्यादा मज़े का है, यानी एडल्ट्स मतलब होगा कि जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे नहीं हैं, ये उनके लिए। अच्छा, अब जैसे ही ओह गॉड, ये तो गिरने वाला था, ओके, ये हमारा एक बैटर बन गया, इसको मैंने इधर रख लिया। दूसरा जो है, दूसरे में हमने चीनी शामिल करनी है, तीन से चार टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे, और एक दो एंड तीन, और थोड़ी सी और क्वार्टर, ये डाल दिया आपने, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल करना है, जो हमने थोड़ा सा और ऊपर से डालती है, क्योंकि फ्राई होने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, हमने नमक शामिल, काली मिर्च, हाँ कुटी भी काली मिर्च आप डालेंगे ना तो वो बहुत आपको अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हम करेंगे तो ये वाले नमकीन वाले, आपने हल्का से लेना है, प्रेस करना है, और उसके बाद इसको फैली हुई प्लेट में बनाएंगे, इसका बैटर, इसका मिक्सचर तो ज़्यादा अच्छा है। या आपने थोड़ा सा इसको इस तरह शेक किया ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ये देखें, पहले आपने गरम कर लिया तेल, और उसके बाद इसको बिल्कुल हल्का कर दिया, ताकि इसका एक गोल्डन कलर होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, गोल्डन होता है। अब आपने इसको बेशक किधर गया, नो चिमटा, ओके, ये जो है ना टोंग, इससे अब आपने इसको हल्का सा मूव किया, ये देखें इतना होना चाहिए, और इसमें दो टोस्ट आ सकते हैं। इसको आपने लिया इसी तरह, थोड़ा सा शेक किया ऐसे 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 ऐसे, ताकि एक्स्ट्रा इसका बैटर निकल जाए, और ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ये देख लें, ये हो गया। अब इसी तरह आपने दो और इसमें डालने, इसमें तीन अंडों में आराम से, अगर आपने कोई और मिक्सचर नहीं किया तो आराम से आपके छः टोस्ट जो है वो बन जाते हैं, ये हो गया, ये देख लें। बाकी किचन रोल अगर आपके पास है तो आप अभी मैं इसमें ना, एक सेकेंड, किचन रोल तो नहीं है मेरे पास, एक सेकेंड, किचन रोल आपके पास हो तो उसका जो है आपने, ताकि एक्स्ट्रा जो है उसका ऑयल
वो सारा उसमें जज्ब हो जाए और आप जो है ना उसको आराम से फिर सर्व कर दें। ये देख लें, अब आपने देखा इसको, आपने देखते रहना है, छोड़ के चले नहीं जाना। ये देखें, ये गोल्डन हो गया, बस ये इसका कलर सबसे बेस्ट होता है, ये वाला। ये देख लें, थोड़ा सा ये और बनेगा, इसको मैं इसमें निकालूंगी और दूसरा हम डाल देंगे। और आज हमको सॉन्ग सुना रहे, प्यारा सा सॉन्ग सुनाना। ओह नो सॉन्ग, ओके नो प्रॉब्लम, ओके नाजी नो सॉन्ग। और अब ये वाला बन गया है, ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है, देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। इसको अब जो आपने किचन रोल है उसके ऊपर रख देना है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आप आँच को ऊंचा कर लेते हैं क्योंकि अब जो इसकी हीट है वो थोड़ी कम हो गई है। और दूसरा टोस्ट भी इसी में शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा आपने इसको हिलाया और उसके बाद ये डाल दिया, ये डाला और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया। अब हमने बना लिए चार टोस्ट। इससे आपके जो है, अगर आप इसको प्रॉपरली, मतलब टाइम आपके पास होगा क्योंकि कुकिंग का हमारा सेगमेंट जो है वो इतना लंबा नहीं होता, लेकिन ये कि क्योंकि फिर वो कुकिंग शो बन जाएगा, तो ये इसको अब मैं पलट रही हूँ। ये वाला हो गया, ये देख लें इतना गोल्डन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर उसके जो वो है ना, अगर आपने खस्ता करना है इसको, क्रिस्पी करना है, तो फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको कुक कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये वाला भी डालती हूँ। अब हमारे जो नमकीन वाले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मीठे वालों पे आ जाते हैं, इसको साइड पे रख दें। और इसके बाद आप कुकिंग सेगमेंट के बाद आप कॉल पे इंशाल्लाह होंगे, तो उसके लिए नंबर नोट कर लें, 8094521 पे आप कॉल कर सकेंगे। ओके, ये लिया, ये आपने इसको पलट लिया और इसको भी पलट लिया। अब मैंने दूसरा वाला जो तैयारी करनी है, ये देख लें, आपने किचन रोल पे इसको माफ़ कीजिएगा डाल दिया, माफ़ कीजिएगा हाजी, ओके। अब आप देखें, अब जो हमने मीठे वाले इनके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अब कांटा मेरा, अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। इसके अंदर आप जो मीठे वाले हैं ना, उनके अंदर बेशक आप क्रीम ऐड कर लें या थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, दैट्स अप टू यू। थोड़ा सा इसको ज़्यादा करने के लिए, बैटर एक्चुअली ज़्यादा करने के लिए लोग जो है वो उसमें चीज़ें मिक्स करते हैं, वरना फिर वो अंडे का जो, ये देख लें ये वाले गोल्डन हो गए। थोड़ा सा हम आँच ऊँची करते हैं इसकी, ये। और आप हमारी जो K2TV की वेबसाइट है उसमें भी जा सकते हैं, www.ky2.tv। उसके अलावा जो फेसबुक है उसके ऊपर भी K2TV के जो है फेसबुक का पेज है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे है K2TV ऑफिशियल। एंड आप सोशल मीडिया जो है उसके हम लोग बिल्कुल हर जगह छाए में, तो आपने जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर आप जाके जो है अपनी राय दे सकते हैं, अपने फेवरेट शोज देख सकते हैं। और जो K2TV की ऐप है, एप्लीकेशन, वो भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर आपने जाना है, अपने जो भी आप जिस कंपनी का भी फ़ोन यूज़ करते हैं उस पे प्ले स्टोर पे जाना है और उसके बाद आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। और इजी बिजनेस, ऐसी लाइफ कितनी इजी हो गई है कि आपने बस सोचा और आपके फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है। ये हमने चार हमारे बन गए मीठे वाले, सॉरी नमकीन वाले। अब हमने मीठे वाले बनाने हैं जो सेम है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है, थोड़ा सा आपने ऑयल शामिल किया। मैंने आपसे कहा कि अगर आपने ऑयल में नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बटर के अंदर भी बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। मम्मी का और मेरा और दावर भाई जी का बड़ा फेवरेट होता है फ्रेंच टोस्ट। हम सर्दियों में स्पेशली इस तरह का मौसम होना तो ये फुल आपका मील है, और चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ जो है बड़ा मज़े का लगता है, स्पेशली इसको काटते हैं। ये आपने एक डाल लिया, इसका टेक्स्चर जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा क्योंकि इसमें चीनी शामिल है, तो चीनी का ग्लेज इसमें ज़रा सा ब्राउनिश टोन में आएगा। वो क्योंकि बिल्कुल सादे थे, उसमें सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च थी, इसमें क्योंकि चीनी है तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ आएगा। ये हमने डाल दिया, जब तक मैं इसको सर्व करने के लिए रेडी कर लूँ। ये इस डिश में हम सर्व करेंगे, आधे मैंने वो रखने हैं और आधे वो, आधे नमकीन और आधे मीठे। इसको अच्छी तरह हमने क्लीन किया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं, सीधा टोस्ट के फॉर्म में ना रख दें
क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी होती, ताकि फिर ज़ाहिर है महंगी चीज़ें हो गई हैं तो हर किसी का हिस्सा। अब आपने चार टोस्ट इस तरह लिए जो बन गए नमकीन वाले, और मैं ज़रा इनको देख लूँ ज़रा एक सेकेंड। ये देखें इसका टेक्स्चर जो है वो बिल्कुल अलग है। इसका डार्क इसलिए आया बिकॉज इसके अंदर चीनी है, चीनी जो है जब ग्लेज होती है तो उसके ये देखें इसका टेक्स्चर ही मुख्तलिफ है। एक्स्ट्रा जो साइड पे है वो बेशक आप इसको साइड पे निकाल दें, उसकी हल्की आंच की भी। अच्छा ये वाले जो नमकीन है ये आपने तिकोन फॉर्म में, तिकोन शेप में कट करने, ये देखें इस तरह आपने किया। फिर आपने इसको लिया और ये देख लें ये कर लिया, और इसके बाद हमने वापस आएंगे। ओके नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले ये देख लें ये हमारे बन गए ये नमकीन वाले। जी नाज़रीन वेलकम बैक। अभी फ्रेंच टोस्ट आज उसकी तरकीब जो कि तरकीब आप सबको आती होगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्वीट एंड सॉल्टी है। जो स्वीट वाले हैं वो भी रेडी हो चुके हैं और टोंग ये है। जो सॉल्टी वाले हैं वो आप देख सकते हैं मैंने काट के इस तरीके से, आप तिकोन में कर लें या स्क्वायर में कर लें, अप टू यू। ये वाले डिश में ज़रा फिर प्रॉपरली आ सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ये इस तरीके से ये वाला तिकोन है, मतलब ये देख लें तिकोन है। आप बेशक इसको स्क्वायर भी काट सकते हैं। इसमें ये होता है कि ज़रा प्रेजेंटेशन भी होती है, ज़्यादा लोग भी खा सकते हैं और आपकी जो डाइट है वो भी नहीं ख़राब होती है। तो स्वीट वाले भी रेडी हो चुके हैं, जो मीठे वाले हैं। अब आपने इनको उसी तरीके से इस तरीके से पूरा रखना है ऐसे करके, उसके बाद आपने इनको कट करना है। एक तरफ आपकी लंबी जो भी डिश होगी उसमें ये आपने इसके साथ ऊपर, आप बेशक आप इसके ऊपर वो डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, ये हो गया। और इसी तरीके से हमने थोड़ा सा आगे आगे करके रखेंगे तो इसकी ज़रा शेप ज़्यादा आपको पता लगेगी। तो ये आज की रेसिपी थी, इजी है बहुत, लेकिन क्योंकि बाहर मौसम बड़ा ज़बरदस्त है तो मैंने कहा कि आज के मौसम के पकौड़े समोसे तो हम खाते ही हैं। ये देख लें इसका डिफरेंस कलर का इसलिए आया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आप शुगर डालते हैं और उसको फ्राई करते हैं तो वो ग्लेज आता है उसमें, तो ये ज़रा ग्लेजी ग्लेजी से हैं ये वाले, ये ज़रा ज़्यादा, और ये वाले नमकीन हैं। अब आपके पास छोटे छोटे फ्लैग बना सकते हैं, अगर आपके घर में कोई टी पार्टी है या कोई लोग आ रहे हैं, छोटे फ्लैग बना के वो टूथपिक के ऊपर एक सॉल्टी लिख दें और एक स्वीट लिख दें। तो ये स्वीट हो गए ये सॉल्टी, आज की रेसिपी जो है कम्प्लीट हो चुकी है। और अब आपको खा के भी बताना है कि कैसे बने सॉल्टी वाले भी और स्वीट वाले भी। ओके ये हमारी आज की रेसिपी टारा इज़ रेडी। इसके साथ आप, मैंने कहा ना मेपल सिरप, शहद या फिर क्रीम जो है क्रीम आप उसमें साथ में सर्व कर सकते हैं जिसने लेना है। तो अगर प्लेट में ले रहे हैं तो वो उस तरीके से आपने ये उठाया इसका। मैंने पहले हम सॉल्टी वाला ट्राई करते हैं ये वाला। उनकी ज़ाहिर है बहुत मज़े का, और एक अब स्वीट, मैंने कहा था नमक और मिठास चेक कर लीजिए। वेरी नाइस, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, सुबह आप उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते में सुबह खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अंडा पराठा आप खाएं नाश्ते में, दिस इज़ अ होल मील। ये आपने खाया साथ में चाय भी पी या कॉफ़ी, आप कहीं जा रहे हैं पिकनिक पे जा रहे हैं, सबसे इजी है ये, घर की बनी हुई चीज़ है, घर से आप लेके जाते हैं। और भाई नाश्ता जी, और साथ में चाय भी है मेरे पास। तो ये हो गई आज की रेसिपी। आज का सवाल है कि बादशाहों का खेल जो है वो किस खेल को कहा जाता है। जल्दी से अब आप कॉल कर सकेंगे, कुकिंग सेगमेंट ख़त्म हो गया, अब आपकी को कॉल की इजाज़त है, अब आप कॉल करें इंशाल्लाह आपकी कॉल से बात होगी, कॉल पे बात होगी। और अब जो है एक क्विक सा हमने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मिस्टर शहजाद ज़फ़र जो कि डायरेक्टर हैं ग्रेस लैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट।
जो कि आप सबके लिए खुशखबरी है। आप लोग सोच रहे हैं घर बनाने का या किसी ऐसी जगह पे लेने का अपना घर या ज़मीन जो कि गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं भी एक गेटेड कम्युनिटी में रहती हूँ और वाकई में उसमें और बाहर रहने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो इसलिए स्टे ट्यून्ड, वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे आज के मेहमान होंगे जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से बताएंगे। लेते हैं क्विक सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी आपने ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट के कमर्शियल भी देखे, आपने डिटेल में देखा सारी वहाँ की गेटेड कम्युनिटी है और उसकी और डिटेल्स अभी जानेंगे। आप लोग हिस्सा ले सकेंगे कॉल करके 0518094521 पे। और आपको बता दूं कि ग्रेसलैंड हाउसिंग रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैविंग ऑल एनओसीज एंड अप्रूवल्स फ्रॉम रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज स्प्रेड ओवर 3000 कनाल एरिया। द प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन मेन फतेह जंग रोड, इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीपैक एंड श्रीनगर हाईवे मेक्स इट customer first choice for living. The project is a secure gated community having all the basic facilities to start house construction and development work on augmented facilities which is underway. It has hundreds of happy clients making their dream home with them and creating thousands of new jobs for Pakistanis. तो ये आप सबके लिए खुशी की बात है। पाकिस्तान से बाहर जितने हमारे पाकिस्तानी मुकीम हैं जो कि शो देखते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वो भी इस प्रोजेक्ट में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कहते हैं ना, घर वापस भी आना होता है, तो आपके पास कोई गेटेड कम्युनिटी में अच्छी जगह बनी हुई होगी, अपनी मर्ज़ी का घर आपने बनवाया होगा, तो उसमें आने का कुछ मज़ा एक और होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट मिस्टर शहजाद ज़फ़र। मैं उनको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं? वेरी वेल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, बड़ा एक आपने एक लोगों के लिए गेटेड कम्युनिटी जो है आज के ज़माने में सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से बड़ी खुश आइन है। और आपकी जितनी डिटेल्स हैं और जो अभी कमर्शियल भी देखा लोगों ने, उसके बाद भी उनको एकदम से चाह होगी कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसमें लिया जाए, प्लॉट लिया जाए या घर बनाया जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट ये शुरू कब हुआ और इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बताएं। ये चीज़ ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो इसकी लैंड प्रोक्योरमेंट और वो सारा सिलसिला स्टार्ट किया गया था। और सेल्स हमने जो मेनली स्टार्ट की वो 2014 में सेल्स स्टार्ट जी हमने मार्केटिंग, उससे पहले कुछ सॉफ्ट लॉन्च में सेल्स हुई थी, फिर 2014 में हम लोगों ने इसके बकायदा जो है वो सेल स्टार्ट की थी। और इट्स बीन 6 इयर्स नाउ, काफ़ी एरिया डेवलप हो चुका है। आई वुड से अबाउट 1800 से 2000 कनाल का एरिया जो है जी वो डेवलप्ड है, जिसमें रोड नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस, पानी, सीवरेज, वो सारा कुछ लिए हो चुका हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट जी होता है, एंड आई थिंक वी आर द ओनली प्रोजेक्ट इन द एंटायर एरिया जहाँ पे सुई गैस का कनेक्शन जो है। ये बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि जनरली मैं भी पिछले दिन आई वाज लुकिंग फॉर प्लेसेस डिफरेंट जगहों पे, तो बड़ा खूबसूरत घर होता था, सब कुछ सही होता था, गैस नहीं होती थी। तो ये बहुत बड़ा एक इशू होता है कि गैस ना हो। तो गैस हम लोगों ने काफी इनिशियल स्टेजेस पे अप्लाई कर दी थी, जो आपको पता है एक प्रोसेस है जो इट टेक्स इयर्स टू हैपन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुई गैस इंटरनली सारी ले हो चुकी है, एक्सटर्नली भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। आई थिंक 2 से 3 माह में वो लोग इसको स्विच ऑन कर देंगे सुई गैस को जो है। ओके, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। और ये आपने बताया कि टोटल 3000 तकरीबन 3000 का नाम, उसमें से 1800 से 2000 हो चुका है, तैयार हो चुका है, तैयार हो चुका है, बाकी डेवलपमेंट। तो क्या आपको रिस्पांस मिला अभी तक? अच्छा है जी, रिस्पांस अच्छा है। हमारे पास हमारा वो फाइलों वाला सिस्टम नहीं है जिसमें वो होता है कि जी फाइल आगे बेच दी, फाइल आगे से आगे चलती नहीं, तो हमारा ऐसा सिलसिला नहीं है। हम लोग प्लॉट्स सेल कर रहे हैं। ओके। और पहले दिन से ही प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर और सेक्टर जो होता है वो होता है अलॉट किया। और अगर कोई नया ब्लॉक ओपन करते हैं तो उसमें फॉर द टाइम बीइंग वो एक चलता है प्लॉट का विदाउट नंबर, फिर वो विद इन अ ईयर उसको बैलेट करके तो वो लोगों को
अलॉट कर देते हैं। तो ओवर सेलिंग में हम लोग नहीं जाते हैं कि वो हजारों बेच दी और उसके बाद फिर जमीन खरीदी और फिर वो सिलसिला नहीं है, वो नहीं है। तो आपने अपने कुछ रूल्स एंड वो रेगुलेशंस रखे हैं। अच्छा जनाब साहब, एक और चीज जो ये मेरा दिमाग में सवाल है कि जिस तरह गेटेड कम्युनिटी में जब भी आप प्लॉट लेते हैं, कोई भी जमीन परचेज करते हैं, तो क्या वो होल सोली जो ओनर होता है उसके नाम पे होती है या वो लीज पे होती है? जो ये उसमें होता ये है कि जनरली तो जो लैंड है इट स्टेज इन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट भी जो आगे पीछे कंपनीज होती हैं वो एक फ़र्क किस्म की होती हैं जो कि हमारे आम लोगों को इतना नहीं। बहुत सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं, ठीक है जी, उसमें तो वो कोऑपरेटिव की ही रहती है, ठीक है। फिर बाज प्रोपराइटर हैं, बाज सिंगल ओनर्स हैं। तो ग्रेस्टर्न जो है ये बेसिकली प्रोजेक्ट है कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का। अच्छा, सो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विद SECP। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स, आज मैं हूं, कल को कोई और होगा। सो देयर इज अ सॉलिड कंपनी स्टैंडिंग बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, नंबर वन। दूसरी बात, जो जितनी जमीन है वो सारी कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। अच्छा, ओके। और नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपने प्लॉट खरीदा तो वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया और अलॉटमेंट हो गई, जैसे CDA में है। जी बिल्कुल। पर अगर कोई रजिस्ट्री करवाना चाहता है अपने नाम पे तो हमारी तरफ से उस पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, वो फ्री है? जी, वो फ्री है, वो करवा सकते हैं। अच्छा, और ये क्या, अगर फर्ज करें किसी ने लिया प्लॉट लिया है या घर बनाया और उसको सेल करके किसी और को, तो वो दूसरे जो पार्टी होगी उसके नाम पे हो जाएगा? उसके नाम पे हो जाएगी। अगर तो हमारे पास ही ट्रांसफर हुआ है तो सिर्फ हमारे पास ही ट्रांसफर हो जाएगा। अगर किसी ने रजिस्ट्री करवा ली है जाके तो फिर वो ज़ाहिर है उसको दोबारा बेचने के लिए रजिस्ट्री ही दूसरे बंदे के नाम पे करवानी पड़ेगी। अच्छा, पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होती है कि वो कहते हैं कि नहीं जी, ओनरशिप कंपनी की रहेगी, आप सिर्फ ट्रांसफर करवाते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये मैंने कहा क्लियर कर लें क्योंकि लोग देख रहे हैं तो जाहिर है वो फिर उनके लिए ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं। उसमें बैंक्स के लिए भी फिर आसानी होती है अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है तो, अगर कोई उस पर कल को बोरोइंग करके, जिस तरह अभी ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई है ये जो लो इनकम के लिए और जो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, सो एनीवन हु हैज अ प्लॉट वो उसको बैंक के साथ प्लेज करा के तो उस पे बोरोइंग करके तो उसको अपना घर बना सकता है। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, ये भी बता दें क्योंकि सब इस वक्त लोग बहुत एक्साइटेड भी होंगे और गेटेड कम्युनिटी एक अच्छी क्वालिटी लिविंग के लिए जो होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये वाकई कहाँ पे है क्योंकि मैंने तो डिटेल बताई है, आप जरा और जरा। ये जी मेन फतेहजंग रोड पर है, एयरपोर्ट के पैरेलल आती है। एग्जैक्टली एयरपोर्ट की जिस तरह रोड जा रही है तो लेफ्ट, अगर हम एयरपोर्ट की तरफ जाएं तो लेफ्ट पे आएगी कि राइट पे आएगी? राइट पे आएगी, एयरपोर्ट के राइट पे आएगी। मेन फतेहजंग रोड पे है, मोटरवे से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पे है, 7-8 मिनट लगते हैं M2 से और M1 से। पेशावर को जा रहे हैं, लाहौर को, जो इस्लामाबाद का जंक्शन है, तो वो आप जो अगर पेशावर से आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली जा, वो भी जी उतर के मेन फतेहजंग रोड पे उतरेगा एग्जिट बिफोर इस्लामाबाद। और अगर लाहौर से आ रहा है तो वो इस्लामाबाद का एग्जिट मिस करके अगला एग्जिट हम लोगों का, तो वो बड़ा कन्वीनियंट। और अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इस पे कश्मीर हाईवे जो श्रीनगर हाईवे बन गई है उस पे भी आप ये टॉप सिटी मुमताज सिटी गुजर के तो राइट करेंगे अगर, तो वो भी फतेहजंग रोड के ऊपर आ जाती है। प्रेजेंट अप्रोच ये है, पर अभी जिस तरह रिंग रोड पिंडी इस्लामाबाद को कनेक्ट कर रहे हैं और ये CPAC भी हमारे साथ से गुजर रही है, बिल्कुल, तो ये एक और इसको भी फतेहजंग रोड के साथ लिंक इसको मिल जाएगा इंटरचेंज के ऊपर, तो वो फिर पिंडी से आने वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी, नॉट जस्ट टू आर प्रोजेक्ट बट अभी आपने अगर एयरपोर्ट भी जाना है पिंडी से या मोटरवे भी जाना है तो 1.5 घंटा लग जाता है। Once this ring road is ready, तो 20-25 मिनट की ड्राइव सिर्फ है, तो ये तो बड़े जबरदस्त है। और ये आपका जो ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये किन किन इदारों से अप्रूव्ड है? ये जी काफी सारे इदारों से अप्रूव्ड है, एक लंबा प्रोसेस होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है हम लोगों का अप्रूवल सबसे पहले जो लेना पड़ता है, फिर उसके बाद सिविल एविएशन है, एयर हेडक्वार्टर है बिकॉज एयरपोर्ट करीब है, एनवायरमेंट है, और फिर आपको जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेना पड़ता है जो प्रॉपर फाइनल NOC वो होता है। ठीक है, ज़बरदस्त नाज़रीन। अब जो कॉल्स हैं हम इनसे अगर आपने बात करनी है, कोई और डिटेल्स पूछनी है या आपका मूड है इन्वेस्ट करने का, तो आप कॉल कर सकते हैं 0518094521 पे। अच्छा शहजाद साहब, एक और चीज़ के आप प्लीज चाय पिए। आप आज आपने मैचिंग की है हमारे जो काउच है उसके साथ। थैंक यू जी। अच्छा कॉल कर सकते हैं आप या फिर मैसेज कर सकते हैं 0335488434 पे। एक और चीज़, कितने कितने मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं इसमें? हम लोगों ने जी इनिशली जो है स्टार्ट किया था उसमें 10 मरले, 1 कनाल और 2 कनाल के थे। ओके। उसके बाद फिर लुकिंग एट द मार्केट डिमांड, लोगों की डिमांड थी कि छोटे होने चाहिए, तो हमने फिर एक सेक्टर
बनाया स्टार्ट में ही सेक्टर ए, उस पर हमने 5 मरले और 8 मरले के भी प्लॉट दिए, जहाँ पे अब घर काफ़ी सारे बन भी रहे हैं, तकरीबन 13-14 घर हैं जो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे हैं और 3-4 फैमिलीज मूव भी हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, देखिए मरला कनाल तो यहाँ पे यूज होता है, कराची में यार्ड्स यूज होते हैं जी, तो अगर 5 मरला यहाँ पे है तो वो कराची के हवाले से तकरीबन 140 स्क्वायर यार्ड्स, 140 स्क्वायर यार्ड जो है वो बनता है, 8 मरला जो है वो 200 यार्ड्स होगा जी, जी। और 500 गज जो है वो कितना, वो एक कनाल जी। और नाजीन आपको एक क्लियर कर दूं, क्योंकि कराची और यहाँ की टर्मिनोलॉजी में फर्क है, तो कराची का एक 500 जो यार्ड है यानी 500 गज है, वो यहाँ का जो टर्मिनोलॉजी में एक कनाल बनता है। बिल्कुल ऐसे जबरदस्त। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, हमारे साथ मौजूद है शहजाद जफर साहब, डायरेक्टर ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहना है, क्विक सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आते जी। नाज़रीन खुश आमदीद, अभी वापस आ चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शहजाद जफर साहब, जो कि डायरेक्टर ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। खूब सारी बातें हो रही थी इनसे, अभी और भी, और एक कॉल भी लेते हैं आपकी जगह से, कॉल भी ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं अना बात कर रही हूँ। अना बात कर रही हैं, कैसी हैं अना, खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक, आप कैसी हैं? फाइन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी अना? जी मैं पूछना चाहूँगी ग्रेसलैंड हाउसिंग के बारे में ही, इसकी लोकेशन मुझे इसकी पूछनी थी भाई से, अगर वो कन्फर्म कर सके तो। इसकी लोकेशन है ये, I'm sorry, दोबारा से बोलें कि पिंडी से अप्रोचेबल है? जी जी, अभी मैं अभी बताया था लेकिन अभी आपको दोबारा बता देते हैं। अच्छा ठीक है, अभी मैं दोबारा से पूछती हूँ, आप सुन लीजिएगा जरूर, आज के सवाल का जवाब देंगी। आए चलिए, आमना थी फ्रॉम रावलपिंडी, वो कह रही हैं रावलपिंडी से अप्रोच, क्योंकि उन्होंने अभी स्विच ऑन किया है। रावलपिंडी से वो जी कश्मीर हाईवे से या मोटरवे से एग्जिट लेकर, तो वो आप इस्लामाबाद से आएँ, पिंडी से आएँ, पेशावर से आएँ, लाहौर से आएँ, कहीं से भी आएँ, बाहर के मुल्क से भी आएंगे तो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। बिल्कुल, तो हर जगह से तकरीबन 8 से 10 मिनट की। ये तो वैसे एक अच्छी बात है कि आपके घर जो भी आ रहा है एयरपोर्ट से आपको बहुत, और जिसको एयरपोर्ट जाना होगा उसको 1.5 घंटा जो है उसका सेव हो जाएगा। बिल्कुल, तो आमना बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा कि रावलपिंडी से तो बहुत अप्रोचेबल है, आप श्रीनगर हाईवे से भी और गोलड़ा से भी जा सकते हैं, बहुत इजीली जा सकते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, अगर फर्ज करें डेवलप्ड जो आपका एरिया जो 1800 कनाल जो है डेवलप, जहाँ पे गैस वैस सब आ गई है, उधर अगर 5 मरले का प्लॉट लेना है तो उसकी क्या कीमत होगी? 5 मरले का जी वहाँ पे 31,90,000 30,90,000 का जो है ना वो डेवलप प्लॉट जो आज आप लें और आज बनाना शुरू कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये 31,90,000 का आपको डेवलप्ड एरिया में 5 मरले का प्लॉट मिलेगा, और जो डेवलप एरिया नहीं है उधर कितने का मिलेगा? उसमें हमने अभी जी लेटली कोई 2 वीक्स पहले एक वैली ब्लॉक के नाम से हमने लॉन्च किया है। ठीक है, उसमें 3.5 मरले और 5 मरले के जो है ना वो 2 साइज प्लॉट्स का निकाले हैं, क्योंकि 3.5 मरले की भी लोगों की डिमांड थी कि जी जो बिल्कुल लो इनकम ग्रुप है, और उसको हमने एक ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे जिसमें पहले लैंड प्राइस है और फिर डेवलपमेंट चार्जेस, उसको स्प्रेड करके ऑलमोस्ट 3.5 साल के ऊपर हमने स्प्रेड किया है, तो उसका टिकट साइज जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल में 15,000 से लेके 25,000 रुपया महीना है, विच प्रॉब्ली आई थिंक हर सैलरी क्लास और जो है ना वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है वो। उसमें जो 3.5 मरले का है वो 14 लाख रुपए का है, प्लस उसमें डेवलपमेंट चार्जेस डाल के तो तकरीबन 18-19 लाख का तकरीबन बनेगा, 3.5 मरले। और जो 5 मरले का है वो उसकी जो इनिशियल प्राइस जो रखी गई है वो 19,95,000 है, जिसको 20 कह लें तो वो डेवलपमेंट चार्जेस डाल के तकरीबन 2829 तक उनको 2829 तक पड़ेगा, वो तकरीबन डेवलप्ड एरिया वाले से 3-4 लाख रुपया वो सस्ता है। तो अच्छा, उसमें ये कि उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी, और डाउन पेमेंट अगर 5 मरले का लेना है जो आप कह रहे हैं, डाउन पेमेंट उसकी जी तकरीबन है 4 लाख रुपया,
पांच मरले की और मंथली 25,000 और अगर 3.5 मरले वाला है उसकी डाउन पेमेंट 3 लाख डाउन पेमेंट है और मेरे ख्याल में गालिबन उसकी 20 या 22,000 महीने की ये तो बहुत जबरदस्त है नाजीन आप सबके लिए कि 3.5 मरले का प्लॉट आपको जो है डाउन पेमेंट आपको 3 लाख रुपए करनी होगी और 20 से 22,000 रुपए पर मंथ आप जो है इंस्टॉलमेंट दें। इसी तरीके से जो 5 मरले का प्लॉट है वो आपको 4 लाख डाउन पेमेंट करनी है और वो अराउंड 25,000 रुपए पर मंथ कमेटी की तरह कमेटी बस समझ ले कमेटी डाल दी है लेकिन आपकी अपनी चीज हो जाएगी। आप फिर उस पे घर बनाएं या उसको रख लें बाद में सेल कर दें इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो जरूर आप इनकी वेबसाइट भी आपकी है जी gracelandhousing.com gracelandhousing.com और आई थिंक फेसबुक पे भी है जी ग्रेसलैंड हाउसिंग ठीक है फेसबुक पे आपने बस ग्रेसलैंड हाउसिंग टाइप करना है और जितने जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक आपकी जगह से कॉल ले लूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं राशदा बोल रही हूं। राशदा फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी राशदा जी कैसी हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक साफ ठीक है बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। आपको कोई इंटरेस्ट हुआ प्रॉपर्टी से? हाँ जी ये प्रॉपर्टी के पूछना था कि ये अगर मतलब कि हम लें तो पहले डाउन पेमेंट क्या होगी और इंस्टॉलमेंट पे होगा ये थोड़ा सा मुझे बता दें। जी जी राजदा जी अभी अभी बताया इन्होंने कि जो एक ब्लॉक इन्होंने बनाया वैली ब्लॉक जहाँ पे 3.5 मरले के भी हैं मौजूद प्लॉट और 5 मरले के जो कि आप इजी इंस्टॉलमेंट पे ले सकती हैं। जो 3.5 मरले का है वो आपको मिलेगा 3 लाख डाउन पेमेंट पे। सुन रही हैं आप? अच्छा। सुन रही हैं। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया। वो आपको मिलेगा 3 लाख डाउन पेमेंट पे और आई थिंक 22,000 रुपए पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट है। उसी तरीके से 5 मरले का जो है वो 4 लाख डाउन पेमेंट पे मिलेगा। मुझे आपके मेरे ख्याल में पीआर कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वो आपको 25,000 रुपए पर मंथ आप उसकी इंस्टॉलमेंट दें 3.5 साल में आपका हो जाए। अच्छा बीच में अगर फर्ज करें किसी के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो उसने 4 किस्तें इकट्ठी दे दी ऐसे भी हो सकता ऐसे कर सकते जी। उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग तकरीबन 15 माह के अंदर हमारा इरादा है कि हम उसकी बैलेटिंग कर देंगे। ओके तो उसमें जो लोग अपनी पेमेंट कम्प्लीट करके उसके अंदर जो है ना वो आकर अपना डेवलप प्लॉट जो हो जाएंगे गुजारा हम लोग 2.5-3 साल से पहले ही वो एरिया डेवलप कर देंगे। तो जो को फुल पेमेंट करके बैलून पेमेंट करके पहले पोजीशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। ये देखे ना ये भी अच्छा है कि जरूरी नहीं कि आपने पूरे 3 साल 3.5 साल बीच बीच में लोग इकट्ठा करके कि चलो 1.5 साल में 2 साल में कुछ देना चाहता है तो वो पोजीशन लेके अपना शुरू कर सकते हैं। तो 15 महीने तक ये कम्प्लीट हो जाएगा जी। 15 महीने में हम लोग जी बैलेट वगैरह गैस नहीं मैं कहूंगा बट जो रोड नेटवर्क और डेवलपमेंट वगैरह जो है वो। हाँ जी तो ये तो बड़ा अच्छा है कि लोग अपने जिस तरह गाड़ी आप लेते हैं लीज पे तो आप प्लॉट भी लीज पे। इसके अलावा हमारे पास जो डेवलप्ड एरिया भी है जिसमें 5 मरले से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट हैं रेडी अवेलेबल उसमें भी 25% डाउन पेमेंट करके और 1 साल के प्लान पे लोग प्लॉट ले सकते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन आज शुरू कर सकते हैं। अच्छा सॉरी ये दोबारा से क्योंकि लोग थोड़ा सा सुनने में टाइम लगेगा। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेवलप्ड प्लॉट्स इन्वेंटरी मौजूद है हमारे पास जहाँ पे गैस पानी सब कुछ है जहाँ पे जी जहाँ पे ऑलरेडी घर बन रहे हैं कमर्शियल भी बन रहा है मस्जिद भी बन रही है सब कुछ जहाँ पे अमेनिटीज हैं वहाँ पे भी हमारे पास 5 मरले 8 मरले 10 मरले 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट मौजूद है जिसमें वो 25% डाउन पेमेंट करके और बाकी 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान ले लें पर वो घर अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा ये नहीं कि वो वेट करें जी पूरी पेमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये भी कितनी अच्छी बात है कि आपको 25% आपने दे दिया डेवलप्ड जो आपके एरिया है और उसमें आज से बनाना शुरू कर दें। तो अगर फर्ज करें ब्रेक पे जाने से पहले 5 मरले का जो प्लॉट है डेवलप्ड एरिया में उसकी कीमत आपने 31,90,000 तो उसमें 25% कितने देने पड़ेंगे उन्हें? तकरीबन 8 लाख के करीब बन जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, देखें 5 लाख का आपका सॉरी 5 मरले का प्लॉट 31,90,000 और आपने 25% देना है 8 लाख रुपए दे देंगे आप तो नेक्स्ट डे से आप वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये तो बड़ी इतना इजी आपने जबरदस्त लोग तो इसके बड़े खुश हो रहे होंगे कि आज ही देते हैं और आज ही शुरू करते हैं। वेरी नाइस लवली। एक क्विक सा नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक है उसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना अभी और डिटेल्स जो है वो शहजाद साहब के जुबानी और सुनते हैं। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक।
जी नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता अनवेल हो रहा है जो ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उसके जो आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके लिए कितनी आसानी पैदा की हुई है इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि आप के पास कम से कम इनकम भी है तो आप इसमें प्लॉट लेके 25% अगर आप पे करते हैं तो नेक्स्ट डे से आप अपना घर का काम शुरू कर सकते हैं। आपको 50-100 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट मिस्टर शहजाद ज़फ़र, और एक आपकी जगह से कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेज नवीद हूँ। मिसेज नवीद फ्रॉम लाहौर। जी मिसेज नवीद, कैसी जी, हैं जी, आप? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी जी मैं सुन रही हूँ। जी मैं शहजाद साहब से बात करना चाह रही हूँ। करें प्लीज करें। मेरा ही मसला है कि मैंने कोई 10-12 साल पहले मेरे बेटे ने, जबकि वो ही वॉज वेरी यंग और पहली जॉब थी उनकी मेरे बेटे की, और ही वॉज वेरी यंग, उसने ग्रेसलैंड में एक प्लॉट लिया था। अब हम कोई 10-12 साल तक हम इंतजार करते रहे, इन्होंने हमें प्लॉट पे फसाए रखा इन्होंने हमें प्लॉट पे, और इन्होंने आकर उसी कीमत पे हमें वापस, हम तंग आ गए लाहौर से जा जाके, उसी कीमत पे इन्होंने हमारे से प्लॉट दोबारा खरीद लिया। ये क्या मतलब हुआ? पता नहीं, तो आपने रिटेन क्यों नहीं किया प्लॉट? अच्छा, मेरे ख्याल ड्रॉप होगी। अच्छा, ये कभी हो जाता है ऐसा? अब मुझे उसकी बैकग्राउंड नहीं पता, अगर सामने आएगी। इन्होंने इनिशियल बाइंग कहीं की होगी और वो कह रही है कि उन्होंने प्रॉब्ली मार्केट में नहीं बेचा, उन्होंने हमें अगर वापस किया होगा तो हम तो एक्चुअल अमाउंट ही हम। अच्छा, वो जिस अमाउंट पे खरीदा होता है, ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को कि जिस अमाउंट पे आपने खरीदा होता है आपको उसी अमाउंट में। हम लोग जी नॉर्मली जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो किसी को भी जिसको रिफंड कहते हैं, वो अवला तो रिफंड पॉलिसीज ही नहीं है नॉर्मली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की होती। अच्छा, हाँ, ये भी है, करते ही नहीं है। किसी और को आप बेचे तो वो अलग बात है। और अगर कोई करते भी हैं रिफंड, तो मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, बट 20% से लेके 40% तक लोग डिडक्शन करके उसके बाद वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करते हैं। तो हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिडक्शन नहीं करते। अगर कोई ऐसा जरूरतमंद आ जाता है जो वापस पैसे लेना चाह रहा है, इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने प्रॉब्ली नहीं दी होंगी, जो कह रहे हमने खरीदा है, इन्होंने आधी पेमेंट की होगी या डाउन पेमेंट की होगी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स नहीं अपनी कंटिन्यू की होंगी, कुड बी कैंसिल हो गया प्लॉट जो भी, बट पैसे वो यही बता रही हैं उनको उतने ही पैसे वापस मिल गए। अच्छा, ये भी है ना, जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, फर्ज करें मैंने रेंट पे घर लिया जी, और मैंने उनको 2 महीने का एडवांस और 2 महीने का सिक्योरिटी दे दी। अब अगर मेरा प्लान एकदम से छोड़ने का होता है विद इन अ मंथ, या मैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करना चाहूंगी, क्योंकि ये चीज होती है लोगों को पता नहीं है, तो उसमें आपका काफी अमाउंट जो है वो कटता है जी, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है जी। कि आपकी वजह से और लोग थे जो लेना चाह रहे थे और आपने महीने के अंदर अंदर कहा कि मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो उसमें आपका अमाउंट पूरा आपको कभी भी नहीं मिलेगा, उसमें कटेंगे आपके, विच इज जो कि हर कंपनी में होता है। तो हम लोग नहीं करते डिडक्शन, आप उसी अमाउंट में लेते हैं। हम उतनी अमाउंट जितनी उन्होंने दी हुई है उतनी पूरी अमाउंट वापस कर देते हैं। अच्छा, ये भी मैं नाज़रीन को क्लियर कर दूं कि अगर आपने 10 लाख का प्लॉट फर्ज करें लिया है तो ये आपको 10 लाख वापस देंगे। हाँ, अगर आपने किसी और को बेचते हैं उस वक्त मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा है कि वो 10 से 12 का हो गया, 15 का, तो फिर आपको आउटसाइड से पैसे ज्यादा मिलेंगे। आप उनको उतने तो बस उतने ही मिल जाए तो बहुत है। ये भी है, ये भी हमें भी होता है ना कि चलो बीच में से थोड़ा सा और होता है, ये कंफ्यूजन लोगों को है, तो ये इसी बहाने प्रॉपर्टी की कंफ्यूजन भी हमने आज थोड़ी सी आपकी दूर कर दी। एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर साहब फ्रॉम वाकेंड। जी जी मुदस्सर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी जी फरमाइए। मैंने ये पूछा था, जो 1 कनाल का प्लॉट है, कौन सा प्लॉट है उसकी क्या वो उनके डेवलपमेंट कब तक होगी और उसके क्या चार्जेस हैं, और कौन सा वाला प्लॉट आप कह रहे हैं? 1 कनाल का 500 गज का। ओके, कनाल का, उसका क्या है? डेवलप्ड एरिया में आपको चाहिए कि नॉन डेवलप्ड में? डेवलप्ड एरिया में चाहिए। डेवलप्ड एरिया में उसकी क्या कीमत है और वो कितने अरसे का आप उसके इंस्टॉलमेंट वो कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, और डाउन पेमेंट कितनी है उसकी? हाँ, ओके, एक कनाल का, ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ मदस्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमने 5 मरले का तो बता दिया था,
साढ़े तीन मरले का भी आपको डाउन पेमेंट भी बता दी थी और महीने की इंस्टॉलमेंट भी। अब आ जाते हैं 500 गज जो कि कराची की में होता है, यहाँ का एक कनाल होता है, एक कनाल डेवलप्ड एरिया में आपका जो बन चुका है जिसमें पानी बिजली गैस सब है, उसकी कीमत वो 72 लाख रुपीज का है। साहब 72 लाख रुपीज का और उसकी डाउन पेमेंट, उसकी डाउन पेमेंट 25% डाउन पेमेंट वो कितनी होगी? करेंगे तकरीबन 17-18 लाख के करीब बन जाएगी। उसकी डाउन पेमेंट आपको करनी होगी 25%, 17-18 लाख रुपए और महीना की इंस्टॉलमेंट, बाकी साल के अंदर वो पेमेंट क्लियर क्लियर कर सकते हैं और पोजेशन अभी से ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप मुदस्सर साहब लेते हैं एक कनाल का प्लॉट जो कि आपको 72 लाख का मिलेगा, उसकी आप 25% डाउन पेमेंट कर सकते हैं जो कि बनती है तकरीबन 18 लाख, 18 लाख रुपए। जिस दिन आप 18 लाख रुपए देंगे नेक्स्ट डे आपको पोजेशन मिल जाएगा और विद इन एक साल आपको उसकी पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी, एक साल के अंदर, ठीक है ना? मैंने कहा आपका बोझ थोड़ा कम कर दूं। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? अदनान बात कर रहा हूं। कौन? अदनान बात कर रहा हूं। अदनान बात कर रहे हैं टेक्सिला से। अदनान साहब थोड़ा फोन से दूर करके बात करें तो उधर क्लियर आएगी। कैसे हैं अदनान? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। जी जी, मैंने सफर साहब से बात करनी थी, मैंने आपका प्रोग्राम शुरू से देखा नहीं है। अच्छा, कर लें बात अदनान साहब। तो मैंने जरा सबसे ये पूछना था इनकी हाउसिंग स्कीम किस तरह है, किस लोकेशन पे है? किस लोकेशन पे है? जी जी मैम, ठीक है। आपको लोकेशन और कोई सवाल? कौन से प्लॉट में? मुझे 3-5 मरले का प्लॉट भी चाहिए ना। 3.5 मरले का प्लॉट अवेलेबल है, उसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। और जगह कहाँ पे है ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी मैम, ये जगह पूछना चाह रहे किस जगह पे है? ठीक है, किस जगह पे, ये अभी आपको जवाब देते हैं। अदनान साहब फ्रॉम टैक्सिला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। 3.5 मरले का प्लॉट अवेलेबल है जी, और ये जगह पूछ रहे हैं आप। लोकेशन जी मेन फतेहजंग रोड पे है, ऑफ मोटरवे एग्जिट, पेशावर से आए, लाहौर से आए, इस्लामाबाद एग्जिट से साथ से आप उतरेंगे या आप श्रीनगर हाईवे से आएंगे तो टॉप सिटी मुमताज सिटी के पास से राइड करेंगे और आप फतेहजंग रोड पे आ जाएंगे। इट इज़ पैरेलल टू द न्यू एयरपोर्ट। नए एयरपोर्ट से फतेहजंग रोड पे वाकई अदनान साहब और 3.5 मरले का प्लॉट वहाँ पे अवेलेबल है और उसकी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 25% जो कि बनेगी 3 लाख रुपए और महीने के आपको 22,000 रुपए देने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट। लेकिन जिस दिन आप 25% दे देंगे नेक्स्ट डे आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। ये तो आज रात को मैं ना मुझे मैं आपकी आधी प्लॉट की सेलिंग मैं कर देती हूँ। सो ये कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, आप टैक्सिला से आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट के बाद एग्जिट आएगा, उधर से आप जाके ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट को रेकी भी कर सकते हैं। एक और कॉल है, ले लें कॉल आपकी तरफ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। कौन बात कर रही है? इफ्फत इस्लामाबाद। इफ्फत इस्लामाबाद से। जी इफ्फत जी, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मैं एक पहले आपके जवाब देना चाहूंगी, क्रिकेट है बादशाहों का खेल। दूसरी बात मैं जफर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये घर बना के अगर उनके उनको वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? खाली प्लॉटिंग ही है या कोई घर भी मिल सकते हैं यहाँ पर? अच्छा, ओके। स्पेशली कनाल के, कनाल के घर भी बना के दे सकते हैं जी। ठीक है फजी, ठीक है। और अगर होगा तो वो कितने तक का होगा अंदाज़? कितने तक का होगा? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा ये भी, ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया कि एक तो प्लॉट का है कि अपनी मर्जी से आप घर बनाएं वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कुछ ऐसे भी गेटेड कम्युनिटीज हैं जो कि अपने जैसा विलाज होते हैं या छोटे छोटे वो कॉटेजेस टाइप होते हैं वो बना के वो भी सेल करते हैं, तो ऐसा आपका प्लान है? जी हम लोग 5 मरले, 8 मरले और 10 मरले के तो हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडल हाउस बनाए हुए हैं। अच्छा जी, और उसमें कुछ रेडीली अवेलेबल फॉर सेल भी हैं। अच्छा, कनाल के हमने मॉडल हाउस नहीं बनाए कनाल के, बट हमारे पास डिजाइन्स अवेलेबल हैं, हमारे इन हाउस डिजाइन टीम भी है। बल्कि हम इनकरेज करते हैं कि जो कोई वहाँ पे घर बना रहे हैं वो कम अज कम फसाड की हद तक जो है वो हमारे डिजाइन को ही कॉपी करें, हमसे ही डिजाइनिंग करवाएं ताकि वो देखने में स्ट्रीट में एक जैसे घर नजर आए, जो आर्किटेक्चर। कनाल का जो है वो भी अगर कोई चाहेगा तो वो प्लॉट लेके हमसे घर बनवाना चाहे तो हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
तो कनाल का 72 लाख रुपीस का प्लॉट है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन तो वो उस पर क्लाइंट पर डिपेंड करेगा, वो कितने स्क्वायर फुट की सिंगल स्टोरी बना रहे हैं, डबल बना रहे हैं। इट कैन रेंज फ्रॉम 4,000 to 6,000 स्क्वायर फीट का जो वो बनवाएंगे, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस रेंज कंस्ट्रक्शन की आ जाएगी। तो अगर फर्ज करें ये जो आपका मॉडल हाउस है, ये आप कह रहे हैं 8 मरले, 5 मरले और 8 मरले, ये हमारे पास जो है तकरीबन जो 5 मरले का है वो तकरीबन 93-94 लाख रुपीज का रेडी मिलेगा जी। रेडी मिलेगा। कितने बेडरूम्स हैं उसमें? 3 बेडरूम्स हैं। अच्छा, सिंगल यूनिट, डबल यूनिट? डबल यूनिट, डबल स्टोरी है। अच्छा, तो ऊपर भी किचन, नीचे भी किचन? किचन ऊपर नहीं है। अच्छा, नीचे किचन। एक जो हमने जो मॉडल हाउस बनाया, वैसे को बनाना चाहे अपने तो वो बना सकता है, पर जो हमारे पास रेडीली अवेलेबल है वो 3 बेडरूम और किचन नीचे वो है यूनिट, और 5 मरले वाला और 8 मरले वाला जो है वो 4 बेडरूम है, और उसमें भी वही टीवी लाउंज, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन जो है, छत भी है जी, वो तकरीबन कोई 120-125 के करीब। अच्छा नाजीन, अब आपको दोबारा से बता दूं, इफ्फत जी ने भी कॉल की थी कि बने बनाए इनके पास जो मॉडल हाउसेज हैं, जो कि आप जाके विजिट भी कर सकते हैं, जो कि 5 मरले का जो है वो 93 लाख रुपीज का आपको बना बनाया मिल जाएगा। 3 बेडरूम होंगे उसमें, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन एंड ऑफ कोर्स बाथरूम्स एंड आपका रूफ टॉप सारा कुछ मिला के। उसके बाद जो 8 मरले का है वो आपको मिलेगा 1,20,00,000 रुपए में, जिसमें 4 बेडरूम है, ड्राइंग, डाइनिंग है, किचन है, बाथरूम्स हैं, रूफटॉप है एंड एरिया। अच्छा, इसमें लॉन का एरिया है कि सिर्फ पार्किंग और साइड पे जो एरिया? थोड़ा सा लॉन है, थोड़ा सा लॉन जो सेटबैक्स के साथ से थोड़ा है, तकरीबन 5 फुट पीछे, 8 फुट आगे, इस तरह डिफरेंट। 5 मरले में कम है, 8 में ज्यादा है, फिर 10 में उससे ज्यादा है। और अभी आप लेंगे तो आपको फायदा इसलिए है कि अभी इजी है, जाहिर है वो जगह और डेवलप होगी तो प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। सो दिस इज़ द टाइम कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हो गई हूँ और यकीनन आप भी हो गए होंगे। सो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो कुछ और बातें करेंगे। बहुत फ़ायदा मंद जिनको प्रॉपर्टी, जिनको घर बनाना है, जिनको प्लॉट खरीदना है, तो आज हमारे साथ हैं शहजाद जफर साहब, जो कि डायरेक्टर ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो कि फतेह जंग रोड पे वाक़ है। जब आप इस्लामाबाद से जा रहे हो तो एयरपोर्ट का जो एग्ज़िट है उधर से करीब है, अगर आप पेशावर से या लाहौर से आ रहे हैं तो भी एग्ज़िट आप एयरपोर्ट का जो है वो लेते हैं, तो आगे जाके राइट हैंड साइड पे एयरपोर्ट की तरफ जब आप जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जो है ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट मौजूद है। हमने प्लॉट्स के बारे में बात कर ली, घर जो बने हुए हैं, जो मॉडल हाउसेज हैं, अगर ऐसी बात है तो आप लोग जाएँ वहाँ पर, वहाँ पे अवेलेबल हैं, जगह भी है, ये सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैठते हैं वहाँ पे, आप इनके पास डायरेक्टली चले जाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मॉडल हाउस देख लें, बना बनाया भी आपको मिल जाएगा 5 मरले का और 8 मरले का, और अगर आप खुद बनवाना चाहें तो आप प्लॉट भी ले सकते हैं। 3.5 मरले का भी अवेलेबल है, 5 मरले का भी अवेलेबल है, 10 का भी है और 1 कनाल का भी है, 2 कनाल का भी है। अच्छा, 2 कनाल का जो प्लॉट है वो कितने का होगा? वो है जी 1,08,00,000 का। 1,08,00,000 का, उसमें कोई है डाउन पेमेंट? उसमें भी जी सेम 25% दे के और आप घर बनाना शुरू कर सकते हैं। 25% कितना होगा? तकरीबन 26 लाख, 27 लाख। 26 लाख आप जो है 2 कनाल के प्लॉट पे 25% के हवाले से दे सकते हैं, और फिर नेक्स्ट डे से डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी इंस्टॉलमेंट में आपका क्लियर हो जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है कमर्शियल एरिया, और कमर्शियल एरिया में शॉप्स और शोरूम्स, ज़ाहिर है वहाँ पे सारी चेन्स भी आएंगी, शॉप्स भी खुलेंगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस बे जो है वहाँ, उसमें शॉप्स भी सेल के लिए अवेलेबल है जी? उसमें अभी फौरी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कमर्शियल एरिया है। इस्लामाबाद के थोड़ा तर्ज अमल पे हमने प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है, यानी कि जो हर सेक्टर है वहाँ पे हम ब्लॉक कहते हैं, उसका अपना भी एक मिनी कमर्शियल है, जिसमें मिनी कमर्शियल है, पार्क है, मॉस्क है, और उस तरह वो सारे सेक्टर्स का अपना भी एक होगा, और फिर एक मेन कमर्शियल है, जिस तरह इस्लामाबाद में एक मरकज बना हुआ होता है, तो वहाँ पे भी एक सेंटर में एक मरकज है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़, कम्युनिटी और ग्रैंड मॉस्क और सारे कमर्शियल्स होंगे। तो अभी हमारे एक सेक्टर में किसी साहब ने 2 कमर्शियल स्टार्ट किए हैं बनाने, अच्छा, जो कि ऑलमोस्ट उनका ग्रे कम्प्लीट हो गया है, तो वो उनकी फिर शॉप्स और उसमें ऑफिस जो हैं वो लोग रेंट आउट करेंगे या सेल करेंगे प्रॉब्ली गालिबन, बट इवेंचुअली और भी लोग जब कमर्शियल बनाना शुरू करेंगे या हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक 12 कनाल का कमर्शियल है जिसपे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें शॉप्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं इसके अंदर, तो वो पे जब बुकिंग करेंगे तो लोग डेफिनेटली इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे
दो साल तीन साल चार साल के प्लान पे वो खरीद सकेंगे, खरीद सकेंगे जो शॉप्स भी हैं और वो भी जो है। अच्छा, मैं अभी इनसे बात कर रही थी ब्रेक में कि मैं भी गेटेड कम्युनिटी में रहती हूँ, लेकिन ये कि मुझे एक थोड़ी सी आपको बल्कि ऑनएयर ही बता दूंगी अभी क्योंकि बन रही है कि ऐसी गेटेड कम्युनिटी में लाइब्रेरी का होना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप माइंड में रखें कि कोई एक छोटी सी प्यारी सी लाइब्रेरी बनाए कि वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ होता है कुछ, अगर फर्क है लॉकडाउन है खुदा ना करे कोई ऐसी चीज है तो आपके पास एक जगह होती है, चलो यार वहां जाके आपने थोड़ा सा किताबें पढ़ ली या वैसे ही सुकून का टाइम गुजार लिया, उसके साथ एक छोटी सी कॉफी एरिया। हाँ जी, उसमें हमारे पास कम्युनिटी सेंटर है जो बनेगा, उसके अंदर हम लोग लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अब जो छोटे बच्चे उनको जो रीडिंग और उसके ऊपर सारे चले गए तो वो जाते हैं तो रियल बुक फील पढ़ने का मजा आता है वो आपको उस पर ई रीड और इंट्रोड्यूस दैट बैक। बिल्कुल, तो ये अच्छा हो जाएगा कम्युनिटी हॉल में आप छोटी सी एरिया लाइब्रेरी का बनाए। तो एक हमारे साथ आज के लास्ट कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, है कॉलर? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर गुलाम बोल रहा हूँ कराची से। डॉक्टर गुलाम बात कर रहे हैं कराची से, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, सब खैरियत है अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, आप सुनाइए। हम तो लोगों की दिल की धड़कने चेक करते करते बड़े हो गए और अभी भी लोगों की दिल की धड़कने चेक करते रहते हैं। अच्छा, और ये दिल की धड़कने वही हैं जो सब कुछ बता देती हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। सुनाए सुनाए अपने दिल की बात। जी जी गुलाम साहब, ये बात कर रही थी कि मैं किसी एंजियोग्राफी के सिलसिले में पिम्स में आऊंगा। एंजियोग्राफी के सिलसिले पिम्स में आएंगे तो मेरा दिल चेक कर लें फिर आप आके, कि एंजियोग्राफी के हवाले से आई थिंक ये शो पे आना चाह रहे हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डॉक्टर गुलाम ने हमें कॉल किया। तो ये जब ये नहीं आता ना तो मुझे ये अब सही है, आप सही है। अच्छा, लास्ट में क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया, वंस अगेन नाजीन आपको बता दूं कि डायरेक्टर ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपकी सारी डिटेल्स जो हैं हाउसिंग के हवाले से वो पूरी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह रात में रिपीट में आप 10:30 बजे शो देखना ना भूलिएगा। अब कुछ और जो है इन जनरल आप बता दें क्विकली से कि कहाँ पे आप ये लोग बाहर से जितने लोग देख रहे हैं किस तरह आपसे कांटेक्ट करें, उधर जाके बुक कराना होता है कि कोई और आपके ऑफिस ऑनलाइन भी कर सकते हैं? हम लोग फोन पे अवेलेबल है, हमारे पास जीसीसी कंट्रीज से बहुत बड़ी क्लाइंटेज है हमारे पास, कतर, बहरीन, सऊदीया से, खासतौर पर छोटे प्लॉट्स में यूएई से हमारे पास बहुत हैं, और वो लोग ऑनलाइन नॉर्मली अप्लाई फॉर्म्स अवेलेबल हैं, फोन ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फोन पे वो कह के बुकिंग ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। या हर एक का कोई ना कोई यहाँ पे बहन भाई होता है जो आके विजिट भी कर लेता है और दे भी जाता है, और हम लोग लोगों को इंकरेज करते हैं हमेशा कि जी आप इन्वेस्ट करने से पहले विजिट ज़रूर करें। ठीक है, आप वो इश्तहार देखकर प्लॉट ना बुक करें, ठीक है जी, और वो ख्वाब ना ख़रीदें इश्तहारों से, साइट पे ज़रूर आएँ। हम इंकरेज करते हैं, हर एक को, खुद नहीं आ सकते, किसी बहन भाई रिश्तेदार दोस्त को भेज दें कि जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी ड्यू डिलीजेंस पूरी करें, जगह को आकर देखें, मौका कैसा है, जगह कैसी है, डेवलपमेंट कैसी हुई है, और अपनी तसल्ली करके फिर इन्वेस्ट करें प्रोजेक्ट के अंदर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बड़ा अच्छा एक खुशाइन बात है। और अब आपके जो कमर्शियल है, ज़रूर नाज़रीन आप जुड़े रहिए K2TV की नशियात से, इनके जो ग्रेसलैंड हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो कमर्शियल हैं उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का, कुछ लोगों ने दिमाग में कैरिकेचर बनाया होगा लेकिन उसमें आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा जो है बेहतर पता लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये, जाते आते हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट के हवाले, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं सबसे ज़रूरी ये है कि लोकेशन को ज़रूर देखें कि उसकी अप्रोच कैसी है, रोड एक्सेस कैसी है, और दूसरा ये कि सारे उनके पास NOCs हैं, ड्यू डिलीजेंस करके मौके पे ज़मीन मौजूद है, प्रोजेक्ट डेवलप कैसा हो रहा है, वो आप सारा देख के फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करें,
अपना जो है कीमती सरमाया जो है। ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको शो पे, और मेरी भी आज जो है नॉलेज बढ़ गई कि तीन मरले, साढ़े तीन मरला भी होता है, और साढ़े तीन मरले में इज इट लाइक थ्री बेडरूम बन सकते हैं कि टू बन सकते हैं? थ्री बन सकता है उसके अंदर, बन सकता है, और डबल स्टोरी भी बन सकता है? डबल स्टोरी जी। ओके, और उसकी जो पैमाइश है उसमें ऐसा भी है कि कॉर्नर की जो कॉर्नर का प्लॉट होता है वो थोड़ा महंगा होता है और बीच वाला डिफरेंट होता है? जी जी, कॉर्नर का 10% एक्स्ट्रा किसी साइज में भी, किसी साइज कॉर्नर होगा उसका 10%। अच्छा, ये बताए कॉर्नर की क्या वजह है कि वो घर भी एक्सपेंसिव होता है या प्लॉट भी एक्सपेंसिव, वजह क्या? उसकी वजह है कि उसको ओपनिंग जो है वो दो साइड से मिल जाती है, दो साइड से मिल जाती है विंडोज के लिए और उसके लिए, स्पेशली जो छोटे प्लॉट हैं, बड़े तो वैसे ही डिटैच्ड होते हैं तो उसमें इतना इशू नहीं होता, पर छोटों में आपको कॉर्नर होगा तो टू साइड ओपन मिल जाएगी, मतलब दो गेट्स आपके जी, दो गेट्स भी और विंडोज को भी आपको जो फ्रेश एयर एक्सेस वो टू साइड ओपन मिल जाती है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच शहजाद जफर साहब, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन आवर शो, और इंशाल्लाह रात को रिपीट में नाज़रीन आप देख सकते हैं शो 10:30 बजे। सो अब हमने एक पिक्चर जो कि हमारा ट्रेडिशन है शो का, एक पिक्चर आपके साथ, और नाज़रीन थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोग शो में हिस्सा लेते हैं और साथ में इतना वक्त निकालते हैं, डायल करते हैं, जिनकी कॉल्स नहीं मिली कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल आपसे, ओहो सॉरी, कितने भी आप ये लगवाएं ना, ओके स्माइल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट टाइम, और नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब है कि पोलो जो है वो बादशाहों का खेल कहा जाता है। मैंने आपको बहुत बड़ा एक क्लू दिया था कि शंदूर का जो मेला होता है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन ये कि उन्होंने कहा था क्रिकेट, क्रिकेट भी अच्छा खेल है लेकिन बादशाहों का खेल जो है दैट इज़ पोलो। आपका बहुत शुक्रिया, टीम का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, कल डॉक्टर गफ्फार अली खानज़ादा होंगे हमारे साथ और खूब सारी बातें होंगी सेहत के हवाले से, कुकिंग भी होगी और आप लोगों की शिरकत में वेट करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलके कहते हैं शहजाद साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद।